भागलपुर की नवगछिया से शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन पैसे और आभूषण लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना की सूचना के बाद परिवार के साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र से है। घटना को लेकर पीड़ित पति नंदलाल ठाकुर ने भवानीपुर थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़ित ने बताया कि अभी तो पत्नी के साथ घर बसाने का सपना ही देख रहा था कि वो सब कुछ लेकर फरार हो गई। उसने जब छानबीन की तो पता चला कि नवविवाहिता प्रेम प्रसंग में फरार हो गई है। सारा जो विधि व्यवहार होता है हिंदू रीति रिवाज में सारा बढ़िया से हुआ। उसके बाद रात में जो है ना वो कुछ खीर वगैरह सब खाई हुई। उसके बाद फिर जब हम गए सोने के लिए तो बोला कि नहीं, जब तक हाथ में कंगन है तब तक जो है ना हम नहीं सोएंगे। तो हम सोचे कि चलो ऐसा हिंदू रीति रिवाज में होता है तो एक रात के लिए क्या दिक्कत है। उस रूम में हम अपने भगनी सबको सुला दिए, हम बगल वाले कमरे में सो गए। उसके बाद फिर वो भाग गए। तो कोई देखा नहीं? नहीं, कोई नहीं देखा सर, सब सोया। 2 बजे रात में कौन जगेगा। शिकायत के बाद भवानीपुर थाना के पुलिस इस मामले की सघनता से जांच कर रही है। दुल्हन को बरामद कर लिया गया है और एक गाड़ी भी जब्त की गई है। इस पूरे मामले में नवगछिया पुलिस कप्तान सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच के बाद लड़की को ढूंढ लिया है। न्यायालय में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है। लड़की के बालिग होने के कारण न्यायालय के आदेशानुसार उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करने का आदेश दिया गया है। वहीं इस मामले में लड़की का कहना है कि वो नगद या रात लेकर फरार नहीं हुई है। की थी जो को उसे बरामद भी किया गया ना, बरामद करके न्यायालय में 64 का बयान भी दर्ज कराया गया। चूंकि वो बालिग है ना, बालिग है तो माननीय न्यायालय का आदेशानुसार जहां वो जाना चाहे उसके आलोक में जो लड़का पर आरोप है जो लेके भागने का प्राथमिक अभियुक्त है उन्हीं की माँ को उसी के माँ को मतलब ये सुपुर्द कर दिया गया। देखिए पूछताछ इस समय किया गया तो जो महिला है वो स्पष्ट इनकार कर रही है। उसका कहना है कि हम कोई पैसा या जेवर लेके नहीं गए, वहीं पर छोड़ दिए।